नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज काफ़ी थक गए हैं, काफ़ी सारा आज वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज की, ठीक है। परसेंटेज का पहला पार्ट आप सभी लोग देख चुके हैं, आज सेकंड पार्ट की बात है। सेकंड पार्ट के अंदर हम सीपीओ से जुड़े और सभी क्वेश्चन जो अपडेटेड हैं, लगातार आते जा रहे हैं, वो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए बीच में ना जरा सा भी लीव करना वो ठीक नहीं है। या तो देखें पूरी या ना देखें, वो ज़्यादा बेटर है। वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक रहता है, इसलिए पूरा ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। लास्ट तक पूरी देखिएगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर मिलेगी। मैं डेफिनेट कह रहा हूँ आपसे, किसी में पेन फ्री हैबिट्स मिलेगी, किसी में कैलकुलेशन करने का तरीका मिलेगा, किसी में कुछ बेटर कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि हर क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के। ये है पहला क्वेश्चन, ए बी से 75% कम है। ए बी से 75% कम है, इसका मतलब हो गया 25% है। सीधी सी बात, अगर 75% कम है तो ये 100 हो गया और ये 25 हो गया, और सी जो है ए और बी के अंतर से 75% है। ए और बी का अंतर हो गया आपका 75, और 75 का 75% आप निकालते हैं। सबसे पहले तो मतलब 75 का स्क्वायर करना है। 75 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, लास्ट में जिसके 5 आता है, स्क्वायर करना बहुत आसान रहता है। 7 को 8 से गुणा किया, 56, 56 25 हो गया, तो 56.25 आ गया, इसी आ गया। अब सी की प्रतिशत ए से कितनी अधिक है, सी ए से कितना अधिक है ये आपको बताना है। अगर आप देखते हैं 31.25, अब देखिए जो चीज़ें मैं लगातार करता हूँ ना, आपने लगातार मेरी वीडियो में बात नोट करी होगी, मैं लगातार डिफरेंस माइंड में कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। वो सभी नतीजा है इंस्पेक्टर चालीसा का। इंस्पेक्टर चालीसा मैंने रूटीन हैबिट में करी है, आप भी वो करिए, और प्रीवियस जो सेशन है इंस्पेक्टर चालीसा के वो ज़रूर अटेंड करके देखिए। अब आप देखते हैं कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब बहुत ध्यान से, अब जिस बच्चे को ऑप्शन देखने की आदत नहीं है वो क्या करेगा, वो यही करता रहेगा। इसलिए लगातार आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन करते के साथ साथ ऑप्शन पे भी नजर जरूर रखिए। अब सीधी सी बात है, कितने प्रतिशत अधिक है, 100% से ज्यादा है ये, ग्रेटर देन 100%। तो तीन ऑप्शन सीधा कट गए, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो मुझे ना डिवाइड करना पड़ा ना सॉल्व करना पड़ा, सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। ये स्मार्ट कैलकुलेशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, और इसमें कोई तुक्का नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम नंबरों के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, कोई तुक्का या कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक भी नहीं है, ये बस नंबरों की जानकारी है। यहाँ पर एक बात बोलता है कि भाई एक संख्या के 38% और 22% के बीच अंतर है 3200। 38 और 22 में अंतर हो गया 16% का, 16% की वैल्यू है 3200, यानी 200 गुना। 15.5% निकालना है, 15.5% का मतलब होता है 31/2, यानी सीधी सी बात है 31 का मल्टीपल, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, 15.5 को 200 गुना करेंगे, 15.5 × 2 31 हो गया, 31 × 100 3100 हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। दोबारा से देखते हैं, देखिए 38 और 22 का अंतर हो गया 16%, जिसकी वैल्यू है 3200। 15.5% आपको निकालना है। अब आप देखते हैं इसका 200 गुना है, तो इसका भी 200 गुना हो जाएगा, 15 × 2 = 30, आधा को 2 करेंगे 31 हो गया टोटल, 3100 आपका आंसर हो जाएगा। पर देखिए इतना लिख लिखा के नहीं करना, ये ऐसे क्वेश्चनों में है पेपर में जो आसान पार्ट के होते हैं, तो इसके अंदर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये।
एक ऑफिस में 70% महिलाएं हैं, और ये भी बोल रहा है कि 105 महिलाएं हैं, ठीक है, 70% महिलाएं हैं और 105 महिलाएं, 70% की वैल्यू अगर 105 है तो जो पुरुष की संख्या होगी वो हो गई 30%, तो वो कितना हो गया, 45 हो गया। अब देखिए सीधा सीधा बोलता हूँ मैं ये, और ये आपके दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए, 7 की वैल्यू 105, तो 3 की वैल्यू कितनी, 15 गुना हो गया, 45 हो गया। अब वो बोलता है टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 150 हो गई, टोटल का 80% को प्रमोशन मिलता है, ठीक है, 85% पुरुष सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% को प्रमोशन मिलता है, इसका 80% हो गया 120। 120 में ये बोलता है कि 85 तो पुरुष हैं, अच्छा 85 पुरुष कैसे हो सकते हैं, इसमें पुरुषों की तो संख्या ही 45 है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाटा मिसिंग जरूर है, कि कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% महिलाएं हैं और महिलाओं की संख्या 105 है, 70% की वैल्यू अगर 105 है, 30% की कितनी, 45 हो गई, 45 अगर पुरुष हैं तो 85 को प्रमोशन नहीं मिल सकता, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, चेक करना पड़ेगा इन्हें, हमें नहीं चेक करना पड़ेगा, इन्हें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और मे भी हो सकता है रॉन्ग क्वेश्चन के सबको मार्क्स मिले हों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि फोटोग्राफ में पीएच की जगह एफ लगा दिया जाए, अगर आप पीएच की जगह एफ लगा देते हैं तो देखिए ये एफ हो गया, ये एफ हो गया, ये भी एफ हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब कितने अक्षर कम हो गए, 2 अक्षर कम हो गए, और पहले कितने अक्षर थे, अगर आप देखते हैं 5 ये और 5 ये, 10 हो गए, तो कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 20% की कमी आ गई, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 20% रिडक्शन हो गया। बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन लगा मेरे को, तो ये मैथमेटिक्स में तो क्वेश्चन नहीं आता वैसे ऐसा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है कि 0.08% फिर 0.008% फिर इंटू 8, अगर मैं देखिए परसेंटेज हटा देता हूँ, नीचे वाले जीरो हटा देता हूँ, मैं देखता हूँ ऊपर पहले 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा, और नीचे क्या आएंगे, 0 0 आएंगे, इसके साथ 0 0 परसेंटेज का 0, फिर इसका 0, और इसकी पावर आएगी 1/9, और ये क्या है, 2 की पावर 3 है, उसके 3 बार है, तो 2 की पावर 9 आ जाएगा, 9 से 9 कटेगा, तो यानी आंसर तो 2 में आएगा, या तो 0.2, 0.02, 0.002 इस तरीके से, और आप देखते हैं केवल एक ही ऑप्शन है 2 वाला, अगर यहाँ पर होता 0.02, 0.002, 0.002 तो मैटर रहता कि आप इसे पूरा सॉल्व करें, कई बच्चों ने ये भी गड़बड़ करी होगी कि डिवाइड बाय 100 फिर इंटू 100 फिर डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 फिर उसे सॉल्व किया होगा, पावर 9 लगा के फिर आंसर निकाला होगा, पर ये करने की जरूरत ही नहीं, नीचे वाला पार्ट तो जीरो है, उस पर आंसर डिपेंड नहीं कर रहा, उस पर डेसिमल डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और वैसे अगर आप डायरेक्ट देखें 8 64 512 512 यानी 2 की पावर 9 हो गया, ठीक है, तो 9 से 9 कटेगा, 2 तो आएगा ही आएगा, तो आपने 2 देख लिया, डी ऑप्शन में ही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो क्वेश्चन देख के ही डर सा लग रहा है, बिल्कुल डर सा, मतलब ये है कि इतनी सारी लाइनें पढ़नी पड़ेंगी, मैं हमेशा से यही करता था एग्जाम के अंदर कि जहाँ मुझे क्वेश्चन दिखा ऐसा जिसके अंदर मुझे इतनी सारी लाइनें पढ़नी पड़ेंगी, मैं उस क्वेश्चन को सीधा ही छोड़ देता था, ठीक है,
और ये मेरा स्टाइल हुआ करता था, देखिए स्टाइल होता हर किसी का बंदे का पेपर करने का, मुझे लगता है इतनी देर में मैं इसे पढ़ूंगा ना, इतनी देर में तो मेरे आगे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ कर लास्ट में अटैम्प्ट करता था। ठीक है, तो पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका है वो देखिए। अब आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप एक चीज देखें ना यहाँ पर, अगर वो ये है कि आपको परसेंटेज निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ 50,000 जो दे रखा है, अगर आप 50,000 की जगह और कुछ भी लेते हैं तो भी आंसर आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय 3 चीजों पे खर्च करता है, ETP और सेविंग, ETP और बचत। अगर उसकी इनकम 100 रुपये है मान लेते हैं, ठीक है, तो 50% तो ये हो गया टी, 20% हो गया ई का, 10 आ गया पी, 15% हो गया 10 का, 1.5 हो गया। अगर ये 50 है, ये 10 60 हो गया, 61 हो गया, और 61.5 यानी 38.5 बचा, ये बचत आ गई। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन भले ही मैं आपको बता रहा हूँ, पर मेरा मानना ये है कि भाई अप्रोच जो है वो ये रहनी चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर बड़ा देखते हैं तो लास्ट में करिए, स्टार्टिंग में लीव ही करना है। ठीक है, अब वो ये बोलता है कि यदि उसकी सैलरी बढ़ जाती है 140 रुपये हो जाती है, ठीक है, अब उसकी सैलरी 140 रुपये हो गई, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी ई अभी भी 50% है, वैल्यू सेम नहीं है पर परसेंट सेम है, तो ई 70 हो गया, तो ई की वैल्यू आपकी 70 आ गई। अब आपने आगे देखा टी 30% हो गया ई का, 30% यानी 21 हो गया, और पी 20% हो गया, 20% हो गया टी का, 20% यानी डिवाइड बाय 5, 4.2 आ गया। अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लिकेशन हो परसेंटेज निकालना हो, ये मैं दिमाग में वैल्यू डालता हूँ और सीधा आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, जैसे वो डायलॉग था ना कि आपने पढ़ा था अभी, एक चर्चित डायलॉग आया था कि यहाँ से आलू घुसेड़ूंगा यहाँ से सोना निकलेगा, ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये भी कि यहाँ से नंबर डालने और यहाँ से कैलकुलेशन निकालनी है, ये जादू ही करना है आपको। ठीक है, अगर आपने देखा ये 70 है, ये 21 है, ये 4.2 है, आपने देखा 91 ये हो गया, 95 ये हो गया, ठीक है, 95 में मैं घटाता हूँ 45 हो गया, 45 में से 0.2 घटाएंगे 44.8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 44.8 हो गया। अब एक बात ध्यान से देखने वाली है कि भाई 50% तो ये सेम रहा, ये 30% रहा, ये 20% रहा, ये 95.2 हो गया और ये आपका 44.8 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, कितने प्रतिशत सेविंग ज़्यादा है या कम है। पहली बात तो सेविंग ज़्यादा है, मोर वाला आंसर आएगा, लेस वाले तो दोनों कट गए। दूसरी बात अगर आप देखते हैं कितनी ज़्यादा है, अब 38.5 ये है और ये है 44.4, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर कितना पार्ट ऐड हो रहा है, 6.3 ऐड हो रहा है। ठीक है, 6.3 ऐड हो रहा है, अगर 3.8 होता, अब ध्यान से समझिएगा बहुत, ये सारी चीज़ मैंने परसेंटेज की बेसिक क्लास में बताई है, पहले की सभी वीडियोस जरूर देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर 38.5 है, 38.5 का मतलब क्या है कि भाई अगर डेसिमल मैं यहाँ लगा देता हूँ यहाँ पर, तो ये 10% आ जाता है, 10% तो यही हो गया 3.85, पर यहाँ पर क्या है 6.3, सीधी सी बात है 10 से बड़ा होगा आंसर, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी क्वेश्चन CPO SI 2019 के हैं, एक एक करके हम सभी एग्जाम कवर करते जा रहे हैं और जैसे जैसे आपका CGL पास आएगा हम सभी क्वेश्चन पेपर कवर कर लेंगे।
चीनी की कीमत 28% बढ़ जाती है, जिसके कारण एक परिवार ने क्या करा, कंजप्शन खत्म कर दी, कम कर दी। अब देखिए, आप बाजार जाते हैं किसी वस्तु को लेने के लिए, उसकी कीमत बढ़ गई 28%। अब आप चाहते हैं कि भाई 28% पे इफेक्ट ना पड़े, आपको 28% ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा कम देना पड़े, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंजप्शन कम कर लेंगे। यानी जो खर्चा पहले 100 रुपये हो रहा था, दाम बढ़ने से वो 128 होना चाहिए था, पर आपने क्या करा, खपत कम कर दी। खपत कम करने से वो 112 हो गया। ठीक है, अब जो खर्चा ये आया है, इसमें भी बढ़ी हुई कीमत है, इसमें भी बढ़ी हुई कीमत है, तो कंजप्शन का रेशियो यहां से निकल सकता है, क्योंकि दोनों कीमत तो सेम आ गई। एक्सपेंडिचर क्या होता है, पी इंटू सी। अगर पी सेम है, बढ़ी हुई कीमत दोनों में है, तो ई का अनुपात और सी का अनुपात समान रहेगा, यानी सी का अनुपात भी यही रहेगा, 16:28, 16:7, 112। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर एक बात बोली गई है कि पहले वो, ठीक है, 18.4 खपत करता था, तो अब खपत कितनी होगी, यानी 8 की वैल्यू दे रखी है, 18.4 और 7 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, अगर 7 की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं डीएस लगाता हूँ, 7 × 28, 1 से 8 आ गया, 8 होना चाहिए अंकों का योग, 8 इसका आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, तो यानी डीएस कॉन्सेप्ट लगाया आपने, डीएस कॉन्सेप्ट हमने लगाया है, जिसके अंकों का योग 8 आना चाहिए। किसी को अगर ये बात समझ नहीं आई है, तो वो डीएस कॉन्सेप्ट की पूरी वीडियो देखिए, जो हम लगातार काफी क्वेश्चनों में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, देखिए क्या कह रहा है। इस टाइप के आज वैसे एक दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, पर हर किसी में ना कैलकुलेशन अलग अलग टाइप की है, इसलिए सभी क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। ए की जो आय है वो बी की आय से 40% है, और बी की आय सी से 24% अधिक है, यानी सी अगर 100 है तो बी हो जाएगा 124, क्योंकि 24% अधिक हो गया, ए की आय बी से 40% है, इसको 40 से गुणा करेंगे अगर, ठीक है, तो 12 × 48 हो गया, 4 × 16 हो गया, 49.6। अब मेन बात यही है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यही है कि आप ये कितनी जल्दी कैलकुलेट करते हैं, 40% आपको निकालना है, आपने 4 से गुणा किया, 496 डिवाइड बाय 10 कर दिया, 49.6। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि C की आय A से कितनी अधिक है, ये हो गया 50.4, ठीक है, C जो है इससे 50.4 अधिक है, ये आ गया 49.6, ये आ गया 50.4, ठीक है, आपको परसेंट निकालना है। अगर परसेंट देखते हैं अगर ध्यान से, तो 100% से तो ऊपर ही होगा, पहली बात 100 से तो ऊपर ही आएगा आंसर जो आएगा, तो दो ऑप्शन तो आपके कट ही गए। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं कि भाई इसके बाद इसमें कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो लगभग है 0.8 के करीब, 49.6 में अगर आप 0.8 जोड़ देते हैं, ठीक है, 49.6 में 0.8 जोड़ देंगे, 50.4 आ जाएगा। लगातार कैलकुलेशन माइंड में हो जा रही है, और यही वो माहौल है जो पेपर में बनता है, लगातार बच्चा सामने बैठता है, और अगर वो लगातार कलम से लिखने में बिजी है तो वो सिलेक्शन से दूर हो जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें अगर माइंड में करता है तो सिलेक्शन ले जाता है, और उसी पे बेस आपको ये लगातार सीरीज सभी दिखाई जा रही है, और आपको ये लगातार फॉलो करना है। आपने देखा कितना दिखा, 0.8, 0.8 का मतलब हो गया कि अगर मैं डेसिमल यहाँ लगा देता तो 10% होता, और अगर मैं यहाँ लगाता तो 1% हो गया, 1% किसके बराबर हो गया, 0.4 के लगभग, 0.5 के, और 0.8 कितना हो गया, 2 से थोड़ा सा कम,
तो यानी 100 में 2 जोड़ा 102, 102 से थोड़ा कम, 102 से थोड़ा कम, यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा, ठीक है। और यही चीज है जो आपको लगातार ऑब्जर्व करनी है, ऐसा नहीं है कि ये चीज मैंने पहली बार बताई है, सालों से बताता आ रहा हूँ और आपको लगातार फॉलो करनी है चीज। परसेंटेज की इंस्पेक्टर चालीसा की वीडियो जरूर देखिए, कैलकुलेशन स्किल ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगी उसके अंदर, यानी इन सब चीजों को एग्जैक्ट वैल्यू से कैलकुलेट नहीं करना, अंदाजा लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आज की क्लास के लिए, इतने ही क्वेश्चन है क्योंकि आज थके हुए भी हैं ज्यादा, पर कोशिश हमने यही करी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से कराने की, और ये सभी क्वेश्चन क्या है, सीपीओ के आए हुए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी इसका आप ध्यान रख सकते हैं, दोनों किताब लीजिए और इस्तेमाल करिए और पढ़िए, और आप बताइए मेरे को कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।